उधर जेएनयू में हंगामे के बाद जेएनयू के बाहर पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। न्यूज 18 इंडिया संवाददाता आप नीरज कुमार की रिपोर्ट देखिए। पुलिस की संख्या आप देख रहे हैं, पुलिस वैन की संख्या देख रहे हैं। लेफ्ट विंग के छात्रों ने, जेएनयू छात्र संघ ने दिल्ली पुलिस से एबीवीपी के खिलाफ शिकायत की है, लेकिन जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है उसे दिखाए जाने को लेकर विवाद हो गया है। जेएनयू प्रशासन ने फिल्म को दिखाए जाने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष का कहना है कि लोकतंत्र में सबका अधिकार है कि वो फिल्म देखे, क्योंकि 3 दिन पहले कश्मीर फाइल्स दिखाई गई थी तब कोई विवाद नहीं हुआ था। तो एबीवीपी और लेफ्ट विंग से जुड़े जो संगठन है जेएनयू में, उनके बीच विवाद हो गया है और जेएनयू प्रशासन पर लाइट काटने का आरोप लगाया है जेएनयू छात्र संघ के लोगों ने, जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष ने और प्रशासन। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। के बारे में कहा है कि उन्हें इजाजत दी जानी चाहिए थी फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए। हालांकि तमाम छात्रों ने जो जेएनयू छात्र संघ से जुड़े हुए हैं और जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष का दावा है कि हजारों की संख्या में लोगों ने फिल्म को, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, उसे अपने मोबाइल और लैपटॉप पे देखा। पूरी स्क्रीनिंग इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि लाइट काट दी गई थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोलकाता नगर निगम और विधाननगर नगर निगम के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें हुक्का बार बैन करने का आदेश दिया गया था। मतलब ये कि अब वहां हुक्का बार बंद नहीं होंगे क्योंकि राज्य के पास उसका कानूनी अधिकार नहीं है, जिसका जिक्र हाई कोर्ट ने अपने आदेश में किया। हालांकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार चाहे तो नया कानून बनाकर हुक्का बार पर बैन लगा सकती है। बिहार के कैमूर जिले में पुलिस और उत्पाद विभाग की जांच के दौरान एक ट्रक से अवैध शराब की करीब 170 पेटियां बरामद हुई जिन्हें आलू की बोरियों के पीछे छिपाया गया था। लेकिन बिहार यूपी बॉर्डर पर जब चेकिंग की गई तो इनकी पोल खुल गई। ट्रक से बोरियां हटाने पर उससे अवैध शराब की 170 पेटियां बरामद हुई, जिसके बाद ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। ड्राइवर भी पकड़ा गया है और आगे की जांच कार्रवाई चल रही है। बताया गया कि अवैध शराब हरियाणा के कुरुक्षेत्र से झारखंड के धनबाद पहुंचाई जा रही थी, जो बिहार के कैमूर में जांच के दौरान पकड़ी गई। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी भारत दौरे पर हैं। आज राष्ट्रपति भवन में सुबह 10 बजे उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। सुबह 11:30 बजे पीएम मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात होगी। दोनों ही देशों के बीच अहम समझौते हो सकते हैं। इस बार गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति होंगे। उधर बिहार के भागलपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां पुलिस की एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल की जोरदार भिड़ंत हो गई। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई, जिसमें उस मोटरसाइकिल की पुलिस की गाड़ी से टक्कर हो गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क से कई गाड़ियां जाती नजर आई। इस दौरान पुलिस की एक गाड़ी भी वहां से